विश्व हिंदू परिषद से आलोक कुमार जी साथ में हैं। DU के प्रोफेसर्स और साथ ही साथ वहाँ के प्रोक्टर को इनवाइट मिल चुका है। उसके साथ बैठकर सभी लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है वो लाइव प्रसारण देखेंगे प्राण प्रतिष्ठा का। उसके साथ ही अभी वाइस चांसलर को इनवाइट करने के लिए आप जाने वाले हैं सर, तो कार्यक्रम क्या कुछ उस दिन देखने को मिलेगा दिल्ली में? अभी तो हम लोग 55 देशों के 10 करोड़ परिवारों में जाके ऐसा ही निमंत्रण दे रहे हैं। आह्वान ये है, अकेले नहीं देखना, अलग अलग नहीं रहना, मिलकर करने का है ना। और इसलिए प्रत्येक हिंदू बच्चे से बूढ़े तक अपनी कॉलोनी के मंदिर में आएगा। 56 देशों में 5 लाख से अधिक मंदिरों में 7 करोड़ से अधिक समाज इकट्ठा होगा, और जब आरती होगी तो खड़े होकर आरती गाएगा। ऐसा हिंदू समाज के जागरण और संगठन का संदेश इस कार्यक्रम से विश्व भर में फैलेगा। घर घर निमंत्रण दिया जा रहा है DU के बाद, अब कहाँ निमंत्रण देने के लिए आप जाएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम? मेरा कार्यक्रम DU का था, क्योंकि बाकी सब जिम्मेवारियों के साथ जब हमने सब कार्यकर्ताओं से कहा कि सबने जाना है तो एक दिन मुझको भी जाना ही चाहिए था, इसलिए मैं आया हूँ। पर दिल्ली में इनिशियली हमने सोचा था 1500 मंदिर में करेंगे, फिर लगा कि 4000 में होगा, अब 18000 मंदिरों में ये कार्यक्रम अकेले दिल्ली में हो रहा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि आलोक कुमार जी विश्व हिंदू परिषद से, उनका साफ तौर से कहना है कि DU के जो प्रोफेसर हैं, DU की प्रोक्टर हैं और साथ ही साथ वाइस चांसलर को वो खुद आज निमंत्रण देने के लिए पहुंचे हैं। लाइव प्रसारण जो है उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट फैकल्टी के पास जो हनुमान मंदिर है वहां से होगा, वहां सब इकट्ठा होंगे और यहां वहां से सब उस दिन का कार्यक्रम जो है वो देखने वाले हैं। उसके साथ ही आप ज़रा तस्वीरें देखिए कि जो प्रोफेसर्स हैं उनके घर जा रहे हैं आलोक कुमार, और साथ ही साथ साथ में DU प्रोक्टर रजनी अब्बी हैं, और सभी को निमंत्रण जो है वो 22 तारीख के लिए दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन रत्नीश पांडे के साथ मधिया, ABP News, दिल्ली।